गुड मॉर्निंग ग्लोबल लिसनर्स। आज मैं मॉर्निंग असेंबली में रिलीजियस कंसेप्ट पर चर्चा करूँगा। आई वॉन्ट टू टॉक टू द ग्लोबल कम्युनिटी ऑन रिलीजियस इश्यूज परटेनिंग टू ह्यूमन सर्विस। इसके लिए भारत की सिख जाति को नमन करता हूँ और आह्वान करता हूँ सिखों से कि उन्होंने दुनिया के सामने मिसाल पेश की, उदाहरण पेश किया है। दे आर एग्जाम्पलीज, वो एक प्रकार से उन्होंने एग्जाम्पल पेश किया है मानव सेवा का, मानव सहयोग का, मानव सद्भावना का। ईमानदारी, सेवा भाव पर जोर, मानवता से लगाव दिखाना, गुरुद्वारों में मानव जाति को कहीं से भी, किसी भी देश, दुनिया, समाज, जाति और धर्म से संबंधित हो, मानवता के नाम पर सिख गले लगाते हैं और उनके ज्ञानी उन्हें ज्ञान भी यही देते हैं। धन्य हो गुरु नानक देव जी को सभी इसके लिए नमन करने की स्थिति में हैं कि उन्होंने एक अच्छा संदेश समाज को दिया, दुनिया को दिया और उन्होंने अपनी पहचान बनाई। पहचान इस हद तक बनाई कि सिखों के प्रति सहानुभूति सभी रखते हैं, अपनापन रखते हैं। उन्होंने मानव से जुड़ना सीखा, टूटना नहीं। दूसरे सभी लोगों से मैं कहता हूँ, या तो आप सुधरें, मानवता के परोपकारी, सेवाभावी, सद्भावना वाले और लगाव वाले बने, वरना हम ऐसे सभी धर्मों का बहिष्कार का आह्वान करते हैं और सिख धर्म की तरफ आएं। अगर आप धार्मिक रहना चाहते हैं तो, और मैं सिखों से भी कहता हूँ कि वो अपने इस अभियान को जारी रखें, इसको और तेज़ करें और अपने बीच में अगर किसी तरह का अपशिष्ट, यानी हम उसे देसी भाषा में क्रूड और कचरा बोलते हैं, अगर कोई नीच भाव लेकर सिख गुरुद्वारों पहुँचे जो धार्मिक अलगाव या अन्य प्रकार की इस तरह की बुरे विचारों का अगर प्रचार प्रसार करता हो तो उसे नकार दें, कुचल दें। सिख जाति इसके लिए जानी जाती है, अपनी बात के लिए मरना और मिटना इन लोगों ने सीखा और भी सीखा। धन्यवाद।